नमस्कार दोस्तों, CGPSC मेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह और आज आप मेरे साथ मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पर चर्चा करेंगे। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इस अधिनियम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला प्रश्न हमारे पास ये है कि इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं कुछ मुख्य पॉइंट में बताता हूँ आपको। देखिए, हमें मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण करने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा, राष्ट्रीय तथा राज्य के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर और राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोग के गठन करने के लिए और मानव अधिकार न्यायालयों के गठन करने के लिए इस अधिनियम की ज़रूरत पड़ी। तो अगर आपसे पूछे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया क्यों गया, तो उसके मुख्य उद्देश्य आपको ये तीन बताने हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आता है, जो हमने डिस्कशन कम्युनिटी में, हमारी वेबसाइट के डिस्कशन कम्युनिटी खंड में दिया था कि मानव अधिकार क्या है। हमने कहा था कि मानव अधिकार, हमने पूछा था कि मानव अधिकार क्या है। तो आप मानव अधिकार अधिनियम 1993 में जब देखते हैं तो इसके सेक्शन 2D में मानव अधिकार को डिफाइन किया गया है और वहाँ जो डेफिनेशन दी गई है वह डेफिनेशन मानव अधिकार को डिफाइन करती है। अगर आप उस डेफिनेशन को समझें तो उसमें भी तीन बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात कही गई है कि मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, अर्थात वे अधिकार जो संविधान के द्वारा व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। तो हम कहें कि मौलिक अधिकार इस श्रेणी में आते हैं कि जो अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं संविधान के तहत, वे अधिकार क्या हैं? मानव अधिकार हैं। दूसरी बात उसमें कही गई है कि वे अधिकार जिनको हमने अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से यह माना है कि हम व्यक्तियों को देंगे, वे अधिकार क्या आएंगे? मानव अधिकार की श्रेणी में आएंगे। और तीसरा उसमें कहा गया है कि वे अधिकार जो न्यायालयों द्वारा व्यक्तियों को दिए गए हैं या प्रवर्तित कराए गए हैं। आप इसमें तीन बातें देखते हैं। पहली बात आप देख रहे हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से हमने माना है। और तीसरी बात, न्यायालयों ने उन अधिकारों को व्यक्तियों को दिया या प्रदत्त कराया है। तो ये तीन बातें इसमें हैं। और ख़ास बात क्या है कि मानव अधिकारों के संबंध में वहाँ पर और स्पष्ट किया जाता है कि मानव अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित हैं। तो जो हमने इन तीन बातों में कहा, चाहे संविधान के तहत हम कहें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से कहें या हम न्यायालयों के माध्यम से कहें, वे नियम जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित होंगे, वे अधिकार क्या कहलाएंगे? मानव अधिकार कहलाएंगे। और उन्हीं अधिकारों का अधिकतर रूप से संरक्षण करने के लिए हमने क्या किया, 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया। तो हम देखते हैं कि हमने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम क्यों बनाया और मानव अधिकार होता क्या है। तो जब आप मानव अधिकार होता क्या है इसको डिफाइन कर रहे होंगे, तो आप लिखेंगे कि मानव अधिकार संरक्षण 1993 सेक्शन 2D में मानव अधिकार को परिभाषित किया गया है। उसे तीन पॉइंट आप बताएंगे और फिर उसमें यह भी बताएंगे कि वह व्यक्ति के किन किन चीज़ों से संबंधित है। हमने एक प्रश्न और दिया था, हमने ये प्रश्न दिया था कि मानव अधिकार अधिनियम के तहत जो उसकी संरचना है मानव अधिकार आयोग की, उसके कार्य और उसकी शक्तियों के संबंध में चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर मैंने आप लोगों के देखे, बहुत सारे लोगों ने इसके उत्तर लिखे हैं और जो लिखा है वह यह लिखा है, संरचना के संबंध में जुलाई 2019 में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, अर्थात मानव अधिकार संरक्षण 1993 में कुछ परिवर्तन किए गए हैं या संशोधन लाया गया है जिसके तहत इसकी संरचना में कुछ अंतर किए गए हैं। परंतु जो भी आंसर डिस्कशन कम्युनिटी में आप लोगों ने दिए हैं उन संशोधनों को शामिल आपने नहीं किया है। आप सब ने संशोधन से पूर्व जो संरचना थी उसे ही शामिल किया है। तो अब हम समझते हैं कि संरचना में क्या परिवर्तन किया गया है और पहले संरचना क्या थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहले संरचना क्या है, फिर मैं उसमें बता दूंगा आपको कि क्या नवीन परिवर्तन किए गए हैं। जो आप लोगों ने लिखा है वह लिखा है कि इसकी संरचना में 8+1 सदस्य होंगे या होते हैं। इस एक सदस्य के बारे में आपने लिखा है कि यह जो एक सदस्य है वह सुप्रीम कोर्ट का
पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अगर बनाया जा रहा है तो उसका जो अध्यक्ष होंगे वे क्या होंगे, पूर्व चीफ जस्टिस होंगे। और इन 8 सदस्यों में लिखा है आप लोगों ने कि जो 4 सदस्य हैं वे क्या होते हैं, 4 अलग अलग बॉडी से आते हैं। वे 4 बॉडी कौन कौन सी हैं, एससी कमीशन से, अनुसूचित जाति कमीशन से आयोग से, अनुसूचित जनजाति आयोग से, महिला आयोग से एवं अल्पसंख्यक आयोग से। ठीक, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वे क्या होते हैं, वे चारों, ठीक, वे क्या हो जाए, उससे क्या हो जाते हैं, वे चारों ही इसके सदस्य होते हैं। और 4 लोग कौन होते हैं, तो और 4 लोगों में एक होगा सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश रह चुका हो, दूसरा होगा उसमें जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, और 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें मानव अधिकार के संबंध में ज्ञान हो। तो इस तरीके से आप लोगों ने लिखा था कि 4 व्यक्ति ये और 4 व्यक्ति इस प्रकार से आयोगों से संबंधित, 8 व्यक्ति और एक क्या आपने लिखा था पूर्व चीफ जस्टिस इसके अध्यक्ष होंगे। अब इसमें जो परिवर्तन किया गया है उसके तहत आप देखें तो इस स्ट्रक्चर में 3 लोगों को और ऐड किया गया है, 3 लोगों को। वे 3 लोग कौन से हैं, एक बनाया गया 2016 में दिव्यांग जनों के लिए अधिनियम, और जो चीफ कमिश्नर शब्द यूज किया गया है तो जो दिव्यांग जनों के जो लिए अधिनियम बनाया गया वहां पर जो कमिश्नर होगा, चीफ कमिश्नर होगा दिव्यांग जनों से संबंधित, वह भी क्या होगा, या मानव अधिकार से सदस्यों में आ जाएगा दिव्यांग जनों से संबंधित। दूसरा आपने देखा कि जिस तरीके से एसटी और एससी आयोग हैं उसी तरीके से वर्तमान में ओबीसी आयोग बनाया गया, तो वहां से संबंधित एक व्यक्ति को, उनके अध्यक्ष को भी क्या किया गया है, मानव अधिकार आयोग में शामिल किया गया है। और तीसरा व्यक्ति शामिल किया गया है बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को, बाल संरक्षण मतलब बच्चों के संरक्षण से संबंधित अधिनियम, और उसमें से जो आयोग बना उसके अध्यक्ष को। तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, आप देखते हैं फीमेल महिला आयोग से, अल्पसंख्यक आयोग से, दिव्यांगजनों के आयोग से, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग से और बाल संरक्षण आयोग से। इस प्रकार से अब यहाँ पर कितने लोगों के, जो आप 4 लिख रहे थे अब आप वहाँ पर लिखेंगे कि 7 लोगों को यहाँ पर लिया गया। और यहाँ पर जो ये 2 लोग थे जिन्हें मानव अधिकार के विशेष ज्ञान था, जिन्हें शामिल किया जा रहा था, इनकी संख्या की गई है 3, अर्थात एक और बढ़ा दी गई है। और साथ ही ये कहा गया है कि इन 3 में से एक महिला, इन 3 में कौन होगा, एक महिला का होना अनिवार्य है। तो इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर जो 4 थे उनकी संख्या कितनी हो गई, 5, और यहाँ जो 4 थे उनकी संख्या कितनी हो गई, 7। तो इस तरीके से आप देखें 12 सदस्य हो गए और एक अध्यक्ष। साथ में ही यह भी परिवर्तन किया गया है कि जो हम कह रहे थे कि अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा वह क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा होना चाहिए, जो ये कंडीशन थी उसको थोड़ा शिथिल किया गया है। और ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति भी बन सकता है अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, मतलब मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी ना हो। हमने कहा था कि अगर वह न्यायाधीश भी रहा है तब पर भी वह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। और एक परिवर्तन किया गया संरचना में कि पहले इनके रिटायरमेंट की जो एज थी उसके संबंध में ये कहा गया था कि 5 साल, 5 वर्ष या 70 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक वह उस पद पर रह सकते हैं। इस 5 वर्ष की सीमा को अब कर दिया गया है 3 वर्ष। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार में एक सदस्य मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए क्या हो सकता है, सदस्य रह सकता है। तो इस तरीके से देखें अगर आप तो ये संरचना में उसके कुछ परिवर्तन किए गए हैं। आप लोगों ने आंसर लिखा है, जो लिखा है काफ़ी अच्छा लिखा है, लेकिन इस नई जानकारी को आप अब ऐड कर लेंगे उसमें, तो इस तरीके से आप एक नए तरीके का आंसर आ जाएगा। तो इस संरचना में आप यही लिखेंगे, इन बातों को संरचना में। दूसरा पॉइंट था इसमें कार्य और शक्ति, तो कार्य और शक्ति के संबंध में
एक आंसर था, जैसे मैंने देखा दीपशिखा वर्मा जी का, इन्होंने भी तो संरचना में तो 8 सदस्यों के संबंध में ही चर्चा की है, बट इन्होंने शक्ति और कार्य को काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। तो जैसे अगर इन्हीं के उत्तर से देखूं मैं, तो यह आयोग, और आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि यह आयोग स्वतः या पीड़ित द्वारा आवेदन किए जाने पर मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करता है। मैं आंसर को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम जगह का इस्तेमाल इन्होंने किया है और जो ज़रूरी पॉइंट थे उन पॉइंट्स को इन्होंने शामिल कर लिया है। तो आप इन 6 पॉइंट को देखेंगे और समझेंगे कि आयोग के कार्य और शक्ति क्या क्या हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूँ, यह आयोग स्वतः अपने से भी ले सकता है संज्ञान और किसी की शिकायत के आधार पर मानव अधिकारों के संबंध में बात कर सकता है या उसकी जांच कर सकता है। दूसरा बन सकता है कि जो हमें अधिकार दिए गए हैं प्राधिकारियों के संरक्षण, प्रवृत्त विधि में दिए गए प्रावधानों का पुनर्निरीक्षण और उनका अनुपालन कराने की इसकी शक्तियाँ होती हैं। तीसरा है कि जो जेल में बंद कैदी हैं उनके अधिकारियों के संबंध में, और यदि किसी व्यक्ति को जो जेल में बंद है यदि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और FIR नहीं लिखी गई है तो उसके संबंध में भी जांच करने का इनके पास अधिकार होगा। इनका यह भी कार्य होगा कि ये क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत भारत सरकार ने जिन चीज़ों को माना है मानव अधिकारों के संबंध में, उसका पालन भारत में हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी जांच करेंगे। मानव अधिकार के संबंध में क्या अनुसंधान हो सकते हैं, क्या नई चीज़ें हो सकती हैं, किस तरीके से मानव अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, इसको बढ़ावा देने का भी इनका कार्य है। और साथ ही इनका काम है कि प्रकाशन, मीडिया, संगोष्ठी के माध्यम से ये मानव अधिकारों का प्रचार और लोगों को जागरूक करना। तो इन्होंने 6 पॉइंट लिखे हैं और 6 हर 2 पॉइंट के बाद इन्होंने एक अलग तरीके से लिखा है, और लगभग मानव अधिकारों के संबंध में जो बातें हो सकती थी इन्होंने शामिल किया है, इसलिए मैंने आपको इनके आंसर को यहाँ पे लिया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि हमने संरचना पर बात कर ली और आप कार्य और शक्ति को एक तरीके से दिखाते हुए हमने इस प्रश्न को दिया था जैसे 100 शब्द में लिखने के लिए, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न था कि मानव अधिकार आयोग 1993 के तहत जो मानव अधिकार आयोग बनाया गया है उसका समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मतलब देखिए, हमने अभी शक्ति और कार्य के संबंध में चर्चा की। शक्ति और संबंध में जब हम चर्चा कर रहे थे, हमने कहा कि वे स्वयं जाँच कर सकते हैं, ठीक है, जो जेल में बंद कैदी हैं उनके संबंध में, इलाज में, और उनकी जाँच कर सकते हैं। इस तरीके से 5-6 बातों पर हमने चर्चा की। अब हम बात कर रहे हैं कि उसमें क्या कमियां रह गई हैं। तो अभी जैसे संशोधन लाया गया, उसके माध्यम से कुछ कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया, जैसे मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष कौन होगा, इसका निर्णय हो पाना ही बहुत मुश्किल जाता था, क्योंकि हमने नियम बना रखा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं वही उसके अध्यक्ष हो सकते हैं। तो कई चीफ जस्टिस इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते कि मानव अधिकार आयोग में वो कार्य करें, और चीफ जस्टिस की संख्या तो कम ही है। तो इस तरीके से इस कमी को हम महसूस कर रहे थे, तो हमने कुछ परिवर्तन के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया है, संशोधन किया है, लेकिन फिर भी कुछ कमी अभी भी रह गई है। तो जैसे समालोचनात्मक या आलोचनात्मक रूप से आपको लिखने को आता है तो आप उसमें शुरू में 2 लाइन और लास्ट की 2 लाइन में अच्छी बातें ही लिखेंगे। जैसे अगर इस प्रश्न को आप शुरू कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कि मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों के संबंध में भारत में काफ़ी अच्छा काम किया है। निश्चित रूप से इसके क्या है, आपको अन्य अधिकारों की इसकी आवश्यकता है, अगर वे अधिकार इसे प्राप्त हों तो ये मानव अधिकारों के संबंध में और अधिक अच्छा कार्य कर सकता है। वे कौन से बिंदु हैं जिनके आधार पर हम कहते हैं कि मानव अधिकार आयोग को शक्तियों की आवश्यकता है। तो अगर आप देखें तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि मानव अधिकार आयोग जो भी जाँच करता है, या कहें हम कि जो भी कार्य कर रहा है उसमें इसे सुझाव देने की शक्ति है। मतलब ये सरकार को सुझाव देता है कि इस प्रकार से होना चाहिए। ये जैसे हमने कहा कि वे जेल का निरीक्षण करने गए तो वहाँ पर वे केवल सुझाव दे सकते हैं कि कैदियों के साथ इस तरह का व्यवहार होना चाहिए या इस तरीके का उन्हें भोजन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आदेश देने की उनके पास शक्ति नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास कहें हम, तो उन्हें आदेश देने की शक्ति है कि आप ऐसा कीजिए, परंतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास इस प्रकार के आदेशात्मक शक्ति नहीं है, सुझाव देने की शक्ति है। अब दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, अगर किसी मामले की जांच कर रहे हैं तो इन्हें जो राज्य में एजेंसियां होती हैं उनकी मदद लेनी पड़ती है। इनके पास अपनी स्वयं की कोई इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं है। मतलब या तो ये पुलिस का साथ लेंगे
या केंद्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं जांच करती हैं उनका सहयोग लेंगी, इनके पास अपनी स्वयं की कोई जांच टीम नहीं होती है, तो इसमें भी इनके पास एक जांच टीम हो तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे दूसरा पॉइंट आपका बन जाएगा कि इनके पास स्वतंत्र रूप से इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो तीसरा पॉइंट हम पाते हैं कि ये उन्हीं मामलों की जाँच कर सकते हैं जो एक वर्ष के अंदर घटित हुए हैं। एक वर्ष के बाद अगर कोई मामला इनके पास आता है, यदि उस घटना को पूर्ण हुए एक वर्ष से अधिक समय हो गया है, तो वे इस मामले की जांच नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि तीसरा पॉइंट बन जाता है कि एक वर्ष के बाद की अवधि का कोई केस अगर इनके पास आता है तो वे उसकी जांच नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो चौथा पॉइंट आप पाएंगे कि इनके पास जो फंड इनको दिया जाता है या जो इन्हें धनराशि प्राप्त होती है वह इनके कार्य करने के लिए या तो बहुत सीमित है या बहुत कम है, कि इनके फंड जो इनके मिलते हैं वे भी इनके कार्य के दृष्टि से बहुत कम है, इसको विस्तार करने की जरूरत है। तो चौथा पॉइंट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है वहां पर उसे आर्म फोर्स के द्वारा जो हमारी फोर्सेस होती हैं वे अगर कुछ कार्य करती हैं तो उनमें जो जाँच करने का अधिकार है वो बहुत सीमित है। तो अगर आप देखें कि अगर सेना ने कोई कार्य किया है तो वहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, इनके अधिकार क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाते हैं, वहाँ पर इन्हें जांच करने का अधिकार नहीं होता है। तो इस तरीके से पांच छह पॉइंट में आप अपना आंसर लिखते हैं। और लास्ट में फिर से आप लिखते हैं फिर भी मानव अधिकार आयोग ने क्या किया है, जो भी फर्जी मुठभेड़ हुई हैं, पुलिस की कैद में जो हत्याएँ हुई हैं कह सकते हैं या फिर जो मौत हुई हैं उन्हें, और महिलाओं के संबंध में जो अपराध हुए हैं उनकी जांच करने में और उनको उनके अधिकार दिलाने में एक महत्वपूर्ण स्थान निभाया है। तो अगर इस प्रश्न में देखूं तो इस प्रश्न में बहुत अच्छा आंसर लिखा था मधुलिका डिक्सेना जी ने, इन्होंने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा था। लगभग जो पॉइंट हमने कहे वे सभी पॉइंट इन्होंने शामिल किए थे। हाँ, इन्होंने शुरू के दो लाइन में जो लिखा था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग का गठन कब हुआ इसके संबंध में, तो वहाँ ये ना लिख के आप वहाँ पर लास्ट और शुरू में दोनों ही जगह पर कुछ पॉजिटिव बातें लिखेंगे और उसके बाद बीच के जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर हम बताते हैं कि क्या कमियाँ हैं और इन कमियों के माध्यम से हम बताते हैं कि अगर इन कमियों को दूर कर लिया जाए तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है, वह मानव संरक्षण के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं हमने मानव अधिकार के संबंध में बात की, इसकी जरूरत के संबंध में बात की, कार्य और शक्तियों के संबंध में बात की और हमने बताया कि इसमें क्या कमी रह गई है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंध में ये हमारी आज की चर्चा थी। एक प्रश्न और हमने डिस्कशन कमेटी में दिया था कि महिलाओं को सीआरपीसी के तहत जो अधिकार दिए गए हैं या विशेष प्रावधान मिले हुए हैं वे क्या हैं। तो जब मैं स्त्रियों के संबंध में चर्चा अगले पार्ट में करूंगा तो इस प्रश्नों को वहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे। आज हम केवल अपनी चर्चा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ही रखते हैं। धन्यवाद। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।